टाइम देखो कितना हुआ है, और अब जाके मैं इसको सेट किया है केक को, तो अभी इसमें आधा पौना घंटा लगेगा। टाइम हो रहा है रात के 2 बज गए, केक फाइनली रेडी हो गया है, फाइनल टचिंग कल सुबह होगी, और मैंने डेकोरेशन भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे जूम कर दिखाता हूँ। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, बेटी का बर्थडे है, ऊपर तक जा रहा है सारा कुछ। इसमें बहुत टाइम लगा मेरे को, पहले मेरे को लग रहा था थ्रेड डालना चाहिए, पर फिर मैंने वो डबल स्टिक टेप से ही यूज़ कर लिया इसको। अब सुबह वो उठेगी तो उसके लिए सरप्राइज़, अब होपफुली उसको अच्छा लगे, लेट्स सी। कब से तो अंदाजा लग ही गया होगा कि दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी टाइम हो रहा है एक कप चाय का, स्ट्रॉन्ग चाय। साथ में चलेगी नेटफ्लिक्स और मेरा चलेगा लैपटॉप। टाइम हो रहा है 1:40 PM और ये टाइम दिन का है, तो मैं आपको विश कर सकता हूँ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कल रात तो आपने देख ही लिया, मेरे साथ ही थे, क्लिप्स मैंने डाली हैं इससे पहले कि काफ़ी काम कर रहा था मैं कल रात को भी। और हुआ क्या कि रात के 12 बजे तो मैंने वो केक बनाना शुरू किया था, तो सोचो कितना टाइम लगता है। और बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई भी एरर है ना, कोई भी चीज़ अगर आप उसमें डाल रहे हो, अगर गलत डल गई तो वो फिर उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे स्पीज़ अगर आप, जैसे मींस अगर आप ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए तो आप मैनेज कर सकते हो, पर बेकिंग में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक बार चीज़ बेक हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। इवन अगर बैटर भी रेडी हो गया तब भी आप कुछ चांसेस बड़े कम होते हैं कि उसको आप सही कर सको। तो रात के 12 बजे जो काम शुरू किया, फिर पूरा सोच रहा था कि हाँ कोई चीज़ मिस ना हो। मेरे साथ होता है ऐसे, क्योंकि परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, कई बार होता है कि वनीला डालना भूल जाता हूँ, है ना, तो कई बार होता है चोको पाउडर डालना भूल जाता हूँ, क्योंकि बेटी को चॉकलेट केक पसंद है तो मैं फिर वही वाला बनाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक बार तो हुआ था कि मैं बेकिंग पाउडर डालना भूल गया था, कि उससे वो फ्लफीनेस नहीं आ रहा था। फिर इन बिटवीन मिडल ऑफ द बेकिंग में मेरे को वो बेकिंग रोक के मेरे को उसमें करना पड़ा था, मेरे को वो भी एक इंसिडेंस याद है। तो इस तरह से जो भी गलतियां पास में हुई हुई ना, वो फिर गलतियां मैं याद करता हूँ कि हाँ कोई गलती, कोई मेजर सी गलती याद आ जाए कि मेरा केक कभी ख़राब ना बने। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो मैंने बैलेंस की डेकोरेशन की है उसमें बहुत टाइम लगा, और कोई भी मेरे पास एक्स्ट्रा कोई इक्विपमेंट नहीं था जिससे मैं उसको ईजिली फुला सकता था, तो मेरे को खुद ही करना पड़ रहा था और रात भर कर रहा था। एक दो बैलेंस बीच में बस्ट भी हुए, तो मैं फटाफट जाके दरवाजे सभी के बंद कर दिए कि किसी की नींद ख़राब ना हो। तो ये सारा चीज़ करते करते ना 2:15 बज गए, और फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी और सुपर एक्टिव हो गया एज़ यूज़ुअल। फिर उसके बाद सोचा कि नेटफ्लिक्स देखूं, पर साथ में लैपटॉप खुला हुआ था, तो नेटफ्लिक्स पे तो पता ही नहीं लगा क्या चलता गया, वो मेरे को याद भी नहीं है। बट जो लैपटॉप पे मैंने कंटेंट जो फॉलो किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे ही काम से रिलेटेड था जो मैंने इवनिंग में मिस की हुई थी, क्योंकि कल जो वीडियो में बनाते बनाते जो मेरा सिर दर्द गया ना, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर गया था, तो वो मैंने ख़त्म की। और करते करते 4 बज गए, और वाइंड अप करते करते 5 बज गए, और 5 बजे सोया हूँ, और फिर सुबह उठा हूँ तकरीबन एग्जैक्ट 11 बजे के करीब उठा, उठ तो पहले गया था पर मैं बेड से नहीं उठा, मैं कहा यार पहले प्रॉपर रेस्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ अगर हेडेक शुरू हो गया ना सुबह सुबह तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, सारे दिन की ऐसी तैसी हो जाती है। तो फिर वो किया, और अभी बस ऊपर आया हूँ, लेट हूँ क्योंकि मेरे को मार्केट जाना पड़ गया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि एक उनकी मेडिसिन ख़त्म हुई है, रात की डोज नहीं है, तो मैंने बोला कि अभी ले आता हूँ, अभी तो रिदम अभी शुरू नहीं किया, तो बेटर है कि मैं वो काम भी अभी निपटा लेता हूँ। तो ऐसे चलता है जी, देख लो रात भर वो वाला काम किया, कल तो चलो बर्थडे का एक्सक्यूज़ था डेकोरेशन का, बट अदरवाइज़ भी वो सारी चीज़ें, मेरी रूटीन ऐसी रहती, किसी चीज़ में मैं उलझा रहता हूँ। लंच करने नीचे आया था और अभी ऊपर जाने का दिल ही नहीं कर रहा, मैं टीवी पे सारे लाइव वगैरह देख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो आज ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। ऊपर तो मैं पहुँच गया हूँ, पर बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरा ना ऊपर आते वक्त पैर हो गया अच्छा खासा ट्विस्ट। हुआ क्या कि मैं जैसे ही लॉबी से ऊपर जाने के लिए चला, और बाद में ध्यान आया कि मेरे पास मेरी वाटर बॉटल रिफिल करने वाली है, और मैं वापस पता नहीं क्या हुआ 2 स्टेप ऊपर लिए और 1 स्टेप वापस पीछे की तरफ लिया, तो मेरा पैर बड़ी पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया, अच्छा खासा झटका लग गया, और अभी पता नहीं क्या स्टेटस है उसका। तो अभी ऑयल वगैरह लगा के उसके ऊपर एक वार्म बैंडेज मैंने उसको लपेट दिया, स्लीव टाइप सा है, और अभी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी के आया। मम्मी कहते हैं हल्दी वाला दूध, मैं कहा भाग जाओ यहाँ से तो मैं नहीं पी सकता, तो फिर मैंने फटाफट कॉफ़ी भी की
और वो पी के फाइनली ऊपर आया, क्योंकि सुबह से इसको भी दर्शन नहीं दिए थे, तो ये लैपटॉप पे भी काम काफ़ी पेंडिंग हो रखा है। वैसे तो अभी चल पा रहा हूँ, इवन सीढ़ियाँ भी चढ़ के खुद ही आया हूँ, बट मेरे को लग रहा है ये अपना असर दिखाएगा शायद ओवर द नाइट जब कल उठूँगा। वैसे तो मैं सोता लेट ही हूँ, शायद रात को ही मेरे को महसूस होना शुरू हो जाए, पर अगर कल सुबह तक अगर मेरे को इसने क्लीन चिट दे दी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरा रेस्ट बढ़ने वाला है मेरे को। लेट्स सी क्या होता है। चल तो पा रहा हूँ पर अभी रात बाकी है, इसका जो असर है ना वो मेरे को लग रहा है कल मॉर्निंग तक ही पता चलेगा, तो देखते हैं जी कल सुबह कैसे दिन मेरा ओपन होता है। और आज क्या हुआ जी, पार्टी तो हमने कर ली और गेस्ट वगैरह तो नहीं बुलाए थे क्योंकि अभी एग्ज़ाम है उसका कल, तो फाइनल एग्ज़ाम है, तो मैं क्या चलो बच्चे ने सारा साल मेहनत की होती है तो फिर हम पार्टी वगैरह जो होगी फैमिली मेम्बर्स वो कल हम चले जाएंगे अगर जा पाए तो, क्योंकि जो मेरी हालत हो रखी है अभी तो मैं मींस बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक ना मेरे को याद है एक टेबलेट मैंने नोट करके रखी हुई थी मोबीजोक्स, तो कभी भी इस तरह से कभी फिसल ना होता है या गिरना गुराना होता है ना, तो को भी अंदरूनी चोट जो लगती है तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वो मैं मोबीजोक्स टेबलेट हम फॉलो करते हैं, सिर्फ फैमिली टेबलेट यू कैन से, तो वो फिर पापा ले आए थे और इवनिंग में मैंने खा ली थी, तो पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पिंचिंग नहीं हो रही होती, जैसे क्या कहते हैं नेल्स जैसे चुभते हैं ना पैरों में, तो वैसे ही लग रहा था, तो पहले लिटरली मैं डर गया था जब मैं गिरा ना, तो मैं लिटरली डर गया, मैं कहा यार फ्रैक्चर फ्रुक्चर वाला काम ना हो जाए अदरवाइज़ बहुत पंगा हो जाना था, तो अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा आसार नहीं लग रहा, आई होप कि ऐसे ही रहे। तो फिर मैं धीरे धीरे उठा, कोई जल्दबाजी नहीं की, मम्मी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी उठ चलना चाहिए, तो मैं कहा यार मेरे को टाइम लेने दो पहले देखने तो दो क्या होना है, ये ना हो कि मैं अपनी इंजरी को और बढ़ा लूँ जल्दबाजी करके, है ना। तो धीरे धीरे उठा तो हो गया ठीक, और पटा छूट जब से मैंने टैबलेट खाई ना तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से बेटर लग रहा है, बट अभी मेरे को डर है कि अभी शायद उस टैबलेट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टैबलेट है तो इधर ही पड़ नहीं नीचे ले गया, तो वो टैबलेट का असर के कारण शायद मेरे को पेन अभी नहीं हो रही, तो मैं ना उसको अभी पूरा अच्छा खासा कवर किया हुआ है, और एक बार अभी जब नीचे जाऊंगा तो फिर से उसको एक बार ऑयल से वही वाले तेल से मसाज कर लूँगा अच्छे खासे। तो ये देखो इस तरह से ना कभी कुछ भी हो सकता है, और अभी मैं अपने भाई से भी बात कर रहा था, उसको मैंने अभी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो उसने भी बोला कहते कि उसके भी किसी फ्रेंड सर्कल में ना पूरा होली का फंक्शन सारा सेलिब्रेट कर लिया और बाद में जब शावर लेने का टाइम आया तो पैर फिसल गया वहाँ पे और अच्छा खासा किसी के शोल्डर पे लगाया, तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि डेंजरस थोड़ा सा हो सकता है। तो ऐसे लाइफ ना ऐसे ट्विस्ट करती है, ये पैर नहीं ट्विस्ट होता, कई बार लाइफ ट्विस्ट हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो मैं काफ़ी वैसे कर रहा था बट मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरा कैसे, मैं कुछ नहीं समझ में आया है ना। अभी जैसे अभी एक वीक पहले मैं प्लान कर रहा था कि जैसे ही एग्ज़ाम्स ओवर होंगे तो मैं अपना जिम स्टार्ट करूँगा, तो मेरे दिमाग में ना वो भी आएंगे बेटा तू कर ले जिम, तेरी किस्मत में अभी टाइम नहीं लगा जिम का जाने का, तो ऐसे होता है। तो इसके साथ मैं ये वाला वीलॉग बंद करता हूँ, क्योंकि आज मैं रात को भी आपने देखा होगा सुबह ये वाला जो वीलॉग मैंने शुरू भी किया है, क्लिप्स मैंने डालूंगा उसके बीच में, कि देर रात से कर रहा हूँ, आज मेरे को रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला और एक ट्रॉमा मैं कैरी कर रहा हूँ ये पैर का, पता नहीं कल सुबह क्या होने वाला है। तो आई होप आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, गिरते पड़ते जैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ पर मैं बंद करने वाला नहीं हूँ इतनी जल्दी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लिया करो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे नोटिफिकेशन ना भी आए ना तो हर दिन सुबह 9 बजे मॉर्निंग में मेरा वीडियो अपलोड होता है, तो आप वो भी एक दिमाग में रख सकते हो। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं एक टाइम फ्रेम फिक्स उसको फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया, और ये अभी वीडियो नंबर चल रहा है 36, तो 36 वीडियोज़ बना चुका हूँ और 36 की 36 वीडियोज़ मैंने सुबह 9 बजे लाइव की है, हर हालत में कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।